अरे बाल गोपाल, बाल गोपाल, अब ये कैसे साबित होगा कि ये मामा जी तो फ्रॉड है, कि वो तो यहाँ पर अपनी बहन के खानदानी प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा के भागने के चक्कर में। इरादे ठीक नहीं है, कैसे साबित करें, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पापा, आपके कहने का मतलब ये है कि मामा जी इस मकसद से आए हैं? हाँ बेटा। तो पापा, आप ये बात मम्मी को बता क्यों नहीं देते? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो सुनने को तैयार नहीं है। अगर मामा जी किन्हीं पेपर्स पर साइन करवाने आए हैं, तो वो पेपर्स भी जरूर साथ लाए होंगे। हाँ, वो तो है। तो अगर मामा जी के बैग की तलाशी ली जाए, तो वो पेपर्स उनके बैग में से निकलेंगे ना? लेकिन अब गोपाल, इसमें लेकिन कहाँ से आ गया? नहीं, मेरा मतलब कि माना कि मामा जी गलत हैं, लेकिन उनसे बिना पूछे उनके सामान की तलाशी लेना गलत है, गलत है। हाँ गलत है, तो क्या हम गलत होने दे? एक औरत जिसके लिए ये प्रॉपर्टी जीवन का सहारा हो सकती है, तो हम क्या उसे लूटने दे और हम वसूलों पर बंधे रहे? पापा, किस सोच में पड़ गए? चले चलो चलो, चलो, चलो। अरे तुम लोग कह रहे हो तो सुनो, अभी हम ट्रेन से आ रहे थे तो मेरे बगल में एक मूर्ख बैठा था दीदी, तो टिकट वाला पूछता है, कह रही तो प्लेटफॉर्म का टिकट है, तो उसने कहा हाँ तो हमको प्लेटफॉर्म पर उतरना है। अरे उठो उठो। जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप मामा जी के सामान से चोरी कर रहे हैं? और हेमा, तुम भी इनका साथ दे रही हो, शर्म नहीं आती? अरे इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मुझे सब पता है, ये आप ही के दिमाग की उपज होगी। पता नहीं किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं आजकल आप। अरे तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ? नहीं, मेरा मतलब कि तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। देखिए, बात वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, बात वो है जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मैंने सातों को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। कौन सी बात? यही कि मामा जी फ्रॉड है, ये यहाँ पर धोखे से आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए आए हैं, धोखे से प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन लेने के लिए आए हैं। मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है, फोन पे बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं इन कागजों को हथिया लूं और आप सभी लोगों को दिखा दूं। ये देखिए, कोर्ट के पेपर। जय भगवान, क्या ये सच है? जी, बात बिल्कुल सच है। आज मेरे प्रोफेसर दामाद ने टाएं टाएं फिश कर दी। ये सच है कि मैं इस पर चोरी से आपकी दस्तखत करवाना चाह रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि दीदी की सारी प्रॉपर्टी मेरा हो जाए, बल्कि इसलिए कि मैं अपना सारा प्रॉपर्टी दीदी को देना चाह रहा था। तो ये पेपर चोरी से साइन कराने की क्या जरूरत थी? थी, बिल्कुल थी। तुम क्या समझो एक भाई बहन के बीच का प्यार? जब मैं छोटा था, जब भी दीदी मुझे राखी बांधती थी और जब भी मैं कुछ देता था, तो दीदी कहती थी नहीं, बड़ा हो जा तब कुछ देना। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं लिया मुझसे। मैंने सोचा धोखे से अपनी सारी संपत्ति मैं दीदी के नाम कर दूं, और तुम कुछ और ही सोच रहे थे। दीदी, अगर आपको पता चलता, अगर इस प्लान के बारे में पता चलता, तो क्या आप साइन करती? बताइए, नहीं करती? नहीं 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 नहीं, आज नहीं, कल नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, परसों नहीं, अगले जन्म नहीं। सुनो, देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, पढ़ो, देखिए देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। जिस घर में इज्जत नहीं, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं रहूंगा। फिर जाओ मत, जाओ मत। मामा जी, मैं चलो। मामा जी, अरे बाल गोपाल, अब क्या करें? ये कागज हमारे हाथ कैसे लगेंगे? क्योंकि बाबा जी अपना वो कुर्ता तो उतारेंगे नहीं जिसकी जेब में उन्होंने ये कागजात रख लिए।
हाँ गोपाल, है एक तरीका। तुझे मेरी कसम है, देख देख तू गया तो देख कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं बहन, मुझे नहीं रहना। मैं क्या सोच रहा था आपके बारे में? दामाद जी मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? मुझे बिल्कुल नहीं रहना यहाँ। मामा जी, मामा जी मुझे माफ कर दो मामा जी। आज आपने साबित कर दिया मामा जी, मैं बहुत गलत था, मैं बिल्कुल गलत था मामा जी, मैं बिल्कुल गलत था। मामा जी अब तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, आप सिर्फ एक बार मेरी टाइट टाइट फिस कर दीजिए मामा जी, एक बार टाई टाई फिस कर दो। देखिए आप हमेशा कहा करते थे ना एक बॉक्सिंग मैच के लिए, तो आज मैं आपको मौका देता हूं मामा जी, मैं आपको मौका देता हूं, जाते जाते सिर्फ एक बार मेरे साथ एक बॉक्सिंग मैच कर लीजिए। मैं एक बॉक्सिंग मैच रखना चाहता हूं मामा जी आपके साथ। मैं जानता हूं मेरा क्या हश्र होने वाला है, लेकिन लेकिन मेरे प्रायश्चित के लिए, मेरे प्रायश्चित के लिए मेरी टाई टाई फिस कर दीजिए मामा जी, प्लीज मान जाइए मामा जी, मान जाइए। मुरली जाओ, जाके मैच का अरेंजमेंट करो। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। ठीक है दामाद जी, जब आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं रुक ही जाता हूँ। रुक जाओ मामा जी का बैग लेके जाओ। मुरली क्या कर रहे हो तुम? जाओ। बेटे जानबूझकर तुम मुझे मौका दे रहे हो, ठीक है, ऐसी टाई टाई फिश करूंगा, ऐसी टाई टाई फिश करूंगा कि इस जन्म तो क्या, अगले कई जन्मों तक तुम मेरे किसी भी सामान को चेक नहीं कर पाओगे।